सब्सक्राइब करें इंडियन मिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाइए देश और दुनिया के रहस्यों को सबसे पहले जानने के लिए। 14 अप्रैल 1912 को समुद्र में हुई एक बड़ी त्रासदी का सच करीब 100 साल बाद सामने आया है। टाइटैनिक पर छपी एक नई किताब में कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जिनके मुताबिक जहाज के डूबने का कारण दुर्घटना नहीं बल्कि चालक दल की गलती इसके लिए जिम्मेदार थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं शरद और आप देख रहे हैं इंडियन मिस्ट्रीज। चलिए जानते हैं 7 तथ्यों के जरिए टाइटैनिक के डूबने की असली कहानी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथ पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था, लेकिन चालक दल की गलती की वजह से समुद्र में समा गया। 14 अप्रैल 1912 को दुर्घटना के वक्त टाइटैनिक जहाज तेज गति से चल रहा था और हिमखंड से टकराकर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज के डूबने के लिए दुर्घटना नहीं बल्कि चालक दल की गलती जिम्मेदार थी। हिमखंड यानी आइसबर्ग से टक्कर के बाद भी जहाज पर सवार यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी। हिमखंड को देखने के बाद चालक दल के पास काफी समय था और वे टाइटैनिक को उससे टकराने से बचा सकते थे, लेकिन वे इस कदर भयभीत हो गए कि जहाज को उन्होंने उसी दिशा में मोड़ दिया। जब तक गलती का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक पर 2 तरह के स्टीयरिंग सिस्टम काम कर रहे थे। जहाज पर मौजूद चालक दल के कुछ सदस्यों को एक सिस्टम की जानकारी थी तो बाकी को दूसरे सिस्टम की, लेकिन अचानक इन दोनों सिस्टम के बीच तालमेल टूट गया और हिमखंड से टक्कर के बाद दोनों सिस्टम के चालक दल अलग अलग दिशा में काम करने लगे और टाइटैनिक समुद्र के आगोश में समा गया। किताब को लिखने वाले लुईस पेटन के मुताबिक उनके दादा लाइटोलर को इस गलती का एहसास हो गया था। जहाज डूबने से पहले उन्होंने 4 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फर्स्ट ऑफिसर्स केबिन में एक अंतिम बैठक भी की थी। इस बैठक में जहाज को डूबने से बचाने की हर कोशिश पर चर्चा हुई। ये भी दावा किया जाता है कि टक्कर के बाद यात्रियों को डूबने से बचाया जा सकता था अगर जहाज को टक्कर के बाद उल्टी दिशा में न चलाकर वहीं स्थिर खड़ा कर दिया जाता। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ने टक्कर के बाद भी कैप्टन से जहाज को धीमी गति से आगे चलाते रहने की जिद की। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद भी जहाज की पेंद में घुस रहे पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक जल्दी डूब गया। अगर जहाज को टक्कर के बाद पानी में स्थिर खड़ा रखा जाता तो ये कई घंटों बाद में पानी में डूबता, जिससे 4 घंटे की दूरी पर खड़े दूसरे जहाज से मदद मिल सकती थी और हादसे का शिकार हुए 1517 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी रोचक लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये जानकारी देश के अन्य लोग भी जान सकें। भारत और विश्व के अन्य रहस्यों को जानने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे को जरूर ऑन कर दें, जिससे नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस चैनल के पिछले वीडियो को जानने के लिए बाईं तरफ के वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप भारत से जुड़े किसी भी रहस्य को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।